हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक गुलमोहर और टॉपिक है हमारा आज का ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट जोन। तो ग्रासलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स वो एरिया होते हैं जो कि ग्रास से कवर्ड रहते हैं और वो नेचुरल ग्रास होती है, वो मैनमेड ग्रास नहीं होती है। तो अगर हम इस मैप में देखें, वर्ल्ड के मैप में, तो ग्रासलैंड्स इन एरिया में लोकेटेड हैं जो कि ग्रीन शो हो रखे हैं। तो ये है मेन ग्रासलैंड्स एंड ये आज का टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये जो ग्रासलैंड्स है ना, ये बहुत टाइम से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एंडेंजर हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम इनको काट रहे हैं। किस लिए? ताकि हमें वो लैंड एग्रीकल्चर में हम कन्वर्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ उगा सकें। तो अगर हम ग्रासलैंड को काटें या फॉरेस्ट को काटें, तो दोनों में से कौन सा इजी होगा काटना? तो आंसर है ऑब्वियसली ग्रासलैंड, क्योंकि फॉरेस्ट को काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ग्रासलैंड जो है वो अभी एंडेंजर हो रही है। और तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रासलैंड्स होते हैं बहुत बड़े एरिया जमीन के जिनमें ऊंची ऊंची ग्रासेस लगी रहती हैं और कुछ ट्रीज हो सकते हैं जो कि इधर उधर बिखरे हुए हो सकते हैं। अब हमारी अर्थ के जो लैंड सरफेस को ग्रासलैंड कवर करता है, 1/5 से भी ज्यादा एरिया अर्थ का सरफेस को वो कवर करता है। एंड इसमें से ज्यादातर ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? वो है टेम्परेट जोन। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि टेम्परेट जोन कौन सा होता है। तो जो टेम्परेट जोन होता है वो होता है बिटवीन लैटिट्यूड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रासलैंड्स को अलग अलग वर्ल्ड के जो पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम इस मैप में अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को नाम दिया गया है प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में हमने यहाँ पढ़ा था सेंट्रल अफ्रीका में सवाना, यहाँ सदर्न पार्ट में अफ्रीका के वेल्ड, यूरोप में इस एरिया में जो रशिया का एरिया है यहाँ पे स्टेपीज एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। सो टोटल ग्रासलैंड्स, ये जो मेन ग्रासलैंड्स हैं ये हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो देर आर टोटल 6 मेन ग्रासलैंड्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली जो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसके बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड पे आ जाते हैं। जरा मैप में अगर हम देखें तो उसका नाम है प्रेरीज। तो प्रेरीज में जो वेजिटेशन होती है वो किस तरह की होती है वो हम देखते हैं। तो प्रेरीज क्या है? बहुत ज्यादा जगह पे फैला हुआ है। इट इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, एकदम चपटी लैंड है। एंड इसमें मीलों दूर तक क्या है, इसमें ग्रास ही ग्रास देखने को मिलती है। अभी जो ग्रास होती है ये समर रीजन में ग्रीन होती है और जब ऑटम आता है तब इस ग्रास का कलर ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पे ट्रीज इतने ज्यादा नहीं दिखेंगे, बहुत कम है। और यहाँ की सॉइल किस तरह से है? बहुत फर्टाइल, क्योंकि सभी ग्रासलैंड्स की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन ग्रास हमेशा रहती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी, ह्यूमस क्या होता है, एक फर्टाइल सब्सटेंस होता है जो कि उसको सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब प्रेरीज का क्लाइमेट किस तरह का होता है? यहाँ पे यूजुअली समर्स होते हैं हॉट और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है। एंड रेनफॉल यहाँ की मॉडरेट होती है। एंड कब होती है रेनफॉल? मोस्टली समर सीजन में होती है। और पहले क्या होता था कि प्रेरीज जब ओनली ग्रासलैंड था तो वहां पे ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ करते थे और वहां पे बिसॉन ये एनिमल होता है, कुछ बफेलो की तरह लगता है इस तरह का, तो ये ग्रेजिंग करते थे, ये यहाँ पे चरने आते थे। सो बट अब क्या हो गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चर लैंड में। एंड जो लोग यूरोप से आए थे तो वो यहाँ पे सेटल हो गए, वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो बिसॉन बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे और नेचुरल प्रेरीज तो बहुत कम रह गए हैं अब यहाँ पे। चलो तो अब एग्रीकल्चर देख लेते हैं, प्रेरीज में किस तरह का एग्रीकल्चर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और वाटर यहाँ पे कहाँ से आता है, किस सोर्स से आता है? मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर से। सो जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं ये मिसिसिपी रिवर है एंड ये इस ग्रासलैंड को एंड अलोंग विद मिसौरी
ये जो रिवर्स हैं ये इस ग्रासलैंड को टोटली वाटर प्रोवाइड करती हैं, एंड इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि वाटर प्रोवाइड करती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो नदियाँ इनमें मिसिसिपी रिवर में आके मिल रही हैं। सो मैप में अगर हम देखें तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, कई सारी आपको ब्लू ब्लू दिख जाएंगी। सो ये ट्रिब्यूटरीज भी इस एरिया को जो है वाटर सप्लाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। सो इसीलिए बहुत सारा वीट प्रोड्यूस होता है इस एरिया में, एंड इट इज नोन एज द वेल्थ बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इससे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मतलब यहाँ से वीट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, बिकॉज प्रेरी रीजन बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे वीट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी मेन क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाई जाती हैं उसमें है मेज एंड बार्ली, राई एंड ओट्स। हम फोटो में देख सकते हैं ये वीट फार्म है प्रेरीज में। अब यहाँ पे क्या है कि फार्म वर्क जैसे प्लाइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, मतलब खेत में हल चलाना, बीज बोना और जो फसलों की कटाई करना, एंड थ्रेशिंग और उसको क्लीन करना, ये सब मशीन्स के हेल्प से होता है। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो मेनली यूरोपियंस हैं, एंड जो यहाँ पे आके सेटल हो गए हैं और वो अपनी लाइवलीहुड इससे फार्मिंग से ही करते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि मशीन्स बहुत ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम है, क्योंकि लोगों की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं कि दो तरह की ग्रासलैंड्स होती हैं, एक तो होती है ट्रॉपिकल और एक होती है टेम्परेट। ट्रॉपिकल जैसे कि पंपास हैं, हमने पढ़ी थी ग्रासलैंड्स, तो जो पंपास है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ग्रासेस यहाँ की टॉल होती हैं, मतलब कई ग्रासेस तो 2 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं, एंड ये मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इनको बहुत कम रेन मिलती है और इनमें जो ग्रासेस होती हैं वो कम हाइट की होती है और ये जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। सो वी कैन सी इन द पिक्चर ये लॉन्ग ग्रास है पंपास की, एंड ये प्रेरी डॉग है, ये शॉर्ट ग्रास में खड़ा है ऐसे देख रहा है। सो अब नाउ अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेरीज पीपल आर इज द रेयरिंग कैटल। तो जैसे जैसे वेस्ट की साइड जाते हैं तो प्रेरीज में हिली एरिया आ जाता है और यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं है, एंड इसीलिए ये जो एरियाज हैं यहाँ पे कैटल्स जैसे कि गाय और बाकी जो हैं शीप वगैरह ये पाले जाते हैं, एंड इन फार्म्स को बोलते हैं रैंचेस। एंड यहाँ पे कैटल्स को बीफ के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रेयर किया जाता है एंड उनको स्लॉटर किया जाता है स्लॉटर हाउसेस में, एंड ताकि बीफ मिल सके। एंड शिकागो एक सिटी है जहाँ पे इन एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है, मतलब उनको काटा जाता है। और रैंचेस और स्लॉटर हाउसेस जो हैं यहाँ भी मॉडर्न मशीनरी लगी हुई है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑन ग्रासलैंड्स, मेनली प्रेरीज ग्रासलैंड। एंड सो वॉट एवर वी हैव रेड इन दिस चैप्टर उसका एक ब्रीफ है कि ज्यादातर ग्रासलैंड्स कौन से जोन में होती है, टेम्परेट जोन में। ओके, देन ग्रासलैंड्स जो नॉर्थ अमेरिका की हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं, एंड प्रेरीज में समर्स हॉट होती है, विंटर्स कोल्ड होते हैं, रेनफॉल मॉडरेट होती है। ज्यादातर ग्रासलैंड्स अब क्लियर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग होती है एंड वीट मेन क्रॉप है यहाँ की। अब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ग्रासलैंड्स में कैटल रियरिंग है फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।